हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस क्रिकेट कंट्री के फैंटेसी 11 प्रेडिक्शन में, जिसमें आपको पूरे टीम के एनालिसिस और कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो आपको टीम में रखने चाहिए और कौन से नहीं। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि पूरे आईपीएल के सीजन में सारी की सारी फैंटेसी 11 की टीम्स की प्रेडिक्शन आपको सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट कंट्री पे मिलेगी। तो फैंटेसी 11 टीम बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को पिच कंडीशंस के बारे में और स्टेडियम के बारे में देखना होता है कि कौन सा ऐसा मैच है, किसके होम ग्राउंड में हो रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं 22 मार्च को जो आईपीएल का महामुकाबला होने वाला है सीएसके वर्सेस आरसीबी के बीच में। तो ये मैच होने वाला है एम चिदंबरम स्टेडियम में, जो कि होने वाला है चेन्नई में। तो सीएसके का एम चिदंबरम स्टेडियम है होम ग्राउंड, तो होम ग्राउंड वाली जो टीम होती है उसको एक बेनिफिट होता है, एक एज होता है अपनी बैटिंग टीम और बॉलिंग टीम को लेके, क्योंकि वो उस पिच कंडीशंस में खेले होते हैं काफी ज्यादा। तो अब बात करते हैं एम चिदंबरम स्टेडियम की पिच कंडीशन की। काफी अच्छी पिच है, बैटिंग फ्रेंडली पिच है, कम से कम 160 से 170 के एवरेज स्कोर रहता है फर्स्ट इनिंग में, और सेकंड इनिंग में कम से कम 160 से 165 के बीच में। ये तो होगी बैटिंग की बात। अब बॉलिंग की बात करते हैं कि बॉलिंग यहाँ पे कैसी रहती है पेसर्स की और स्पिनर्स की। तो बात करते हैं पेसर्स की। तो ये पेसर्स की जो बॉलिंग है इस पिच पे, जो लास्ट के ओवर्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती रहती है, और जो स्पिनर्स हैं हमारे, स्पिनर्स स्टार्टिंग के ओवर में काफ़ी किफ़ायती रहते हैं, क्योंकि ये चेन्नई का ग्राउंड है, तो चेन्नई में थोड़ा ड्यू फैक्टर आ जाता है लास्ट के ओवर्स में, तो स्पिन बॉलर्स को काफ़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे मतलब मैं एडवांटेज लेके चलूंगा पेसर्स को ही, क्योंकि स्पिनिंग में अगर स्टार्टिंग में अगर विकेट्स नहीं ली जाती, क्योंकि पावर प्ले में जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन होते हैं वो हिटिंग करते हैं, तो स्पिनर्स काफ़ी ज़्यादा कम ही बॉल करते हैं पावर प्ले में। तो बात करते हैं अब पेसर्स की। तो यहाँ एम चिदंबरम स्टेडियम में आईपीएल के रिकॉर्ड्स और स्टैट्स की बात कर ले, टोटल मैच 76 हुए हैं, जिसमें बैटिंग फर्स्ट 46 मैच जीती और बैटिंग सेकंड 130 मैचेस। एवरेज जो इस इनिंग का स्कोर रहता है, फर्स्ट इनिंग का स्कोर रहता है, वो 160 टू 170 रहता है, और एवरेज सेकंड इनिंग का स्कोर 150 के करीब। और स्पिन और पेसर्स की बात कर लें तो पेसर्स यहाँ पे 71 विकेट्स हैं इस स्टेडियम पे, और स्पिनर्स की हैं 52 विकेट्स। तो मतलब ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंट फैक्टर तभी आता है जब इस पिच पे ड्यू का फर्क आ जाता है, शाम के टाइम ड्यू आ जाती है, तो उसके बाद 15 से 20 ओवर के बीच में अगर कोई स्पिनर बॉल करता है तो स्पिन करनी बॉल बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ड्यू फैक्टर के कारण बॉल हाथ से स्लिप होती है। तो आपको फैंटेसी 11 टीम बनाने के लिए ये पॉइंट्स को काफ़ी ज़्यादा अपनी टीम में मद्देनजर रखना होगा, कि लास्ट के ओवर्स के लिए आपको पेसर्स पे ध्यान देना होगा, और स्टार्टिंग के ओवर्स अगर स्पिनर कर रहे हैं तो आप उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं अपनी टीम में। तो अब बात करते हैं फैंटेसी 11 टीम आपकी कौन सी होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बेस्ट प्लेयर्स आपको फैंटेसी 11 टीम में अपने रखने होंगे, तभी तो आप रिवॉर्ड जीत पाएंगे और जो भी आपकी प्राइज मनी होगी वो आप जीतेंगे। तो फैंटेसी 11 टीम की बात कर लेते हैं। नंबर वन पे आते हैं एमएस धोनी। तो वो डिपेंड करता है, अगर चेन्नई टॉस जीत के बैटिंग करती है तो आपको एमएस धोनी को जरूर इंक्लूड करना चाहिए अपनी प्लेइंग 11 की टीम में। और बात करते हैं बैटर्स की, तो विकेट कीपर आपका फाइनल हो गया कि एमएस धोनी ही विकेट कीपिंग करेंगे, और आपकी टीम में भी विकेट कीपर एमएस धोनी होने चाहिए। अब बात करते हैं कि बैटर्स कौन कौन से आप अपनी टीम में रख सकते हैं। विराट कोहली, फैफ डुप्लेसिस, शिवम दुबे और ऋतुराज गायकवाड़, ये आपके चार बैटर होने चाहिए, क्योंकि ये चारों के चारों बहुत अच्छे फॉर्म में हैं। तो बैटर्स में विराट कोहली, फैफ डुप्लेसिस, शिवम दुबे और ऋतुराज गायकवाड़। ऑलराउंडर की बात करें तो सबसे बेस्ट ऑलराउंडर आपके लिए रहेंगे इन दोनों टीमें से रविंद्र जडेजा, ग्लेन मैक्सवेल, कैमियन ग्रीन और रचिन रविंद्रा। रचिन रविंद्रा की मैं बात करूं तो ये पहली बार अपना आईपीएल सीजन खेल रहे हैं, और रचिन रविंद्रा जैसे शानदार प्लेयर, जो कि मतलब आने वाले T20 और ODI वर्ल्ड कप में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करने वाले हैं, तो इसीलिए मैं रचिन रविंद्रा को इस अपनी फैंटेसी 11 टीम का कैप्टन भी बनाना चाहूंगा। क्योंकि अगर रचिन रविंद्रा को मैं कैप्टन बना रहा हूं तो मोस्टली क्या करेंगे लोग, विराट कोहली और फैफ डुप्लेसिस को या धोनी को या मैक्सवेल को कैप्टन बनाएंगे, पर रचिन रविंद्रा को बहुत ही कम लोग चूज करेंगे। और अगर रचिन रविंद्रा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं तो आपको ही पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि कम लोगों ने अगर रचिन रविंद्रा को लिया होगा तो आपने लिया होगा तो आपकी टीम बहुत जल्दी ऊपर आ जाएगी कम पॉइंट्स से ही। तो रचिन रविंद्रा को मैं इस टीम में कैप्टन बनाऊंगा। और बॉलर्स की बात कर लें तो मोहम्मद सिराज और दीपक चहर को मैं अपनी बॉलिंग यूनिट में रखूंगा। ये है मेरी फैंटेसी 11 टीम प्रेडिक्शन, जिसमें मैंने कैप्टन लिया है रचिन रविंद्रा को, और मैं वाइस कैप्टन लूंगा दीपक चहर को, क्योंकि दीपक चहर की बॉलिंग भी कर सकते हैं, दीपक चहर बैटिंग भी कर सकते हैं, अगर उनकी बैटिंग आती है तो दीपक चहर बैटिंग भी कर पाएंगे। और बात करें फील्डिंग की, तो अगर एक दो कैच भी लेते हैं तो उसके भी पॉइंट्स ऐड होते हैं आपकी टीम में। ये सारे फैक्टर्स होते हैं एक फैंटेसी 11 टीम बनाने के लिए। तो मैं दोबारा से बता दूं एक बार, एमएस धोनी, विराट कोहली, फैफ डुप्लेसिस, शिवम दुबे और ऋतुराज गायकवाड़। और ऑलराउंडर्स में रविंद्र जडेजा, ग्लेन मैक्सवेल, कैमियन ग्रीन, रचिन रविंद्रा। बॉलर्स में मोहम्मद सिराज और दीपक चहर। तो ये पूरी की पूरी पैक ऑफ टीम है जो आपकी फैंटेसी 11 की मैंने आपको बता दिया। ये बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये प्रॉपर एनालिसिस करके और कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो इस पिच पे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो उस हिसाब से क्रिकेट कंट्री की मैनेजमेंट ने ये टीम आपके लिए बनाई है। तो ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए क्रिकेट कंट्री को सब्सक्राइब करें।